सब टीवी का शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा पिछले कई सालों से लोगों का एंटरटेनमेंट करने का काम कर रहा है। इस शो के अंदर फिलहाल नए टप्पू की एंट्री हो चुकी है। नीतीश भलूनी टप्पू का रोल इस शो में निभाते हुए दिखाई देंगे, लेकिन आते ही टप्पू की शादी के बारे में जेठालाल उनके बापूजी सोचने लगे हैं। टप्पू को एक लड़की से गले मिलता देख खुद भिड़े भी हैरान रह जाता है। वहीं जब भिड़े को ये पता चलता है कि जेठालाल और बापूजी टप्पू की शादी उस लड़की से करवाना चाहते हैं, तो वो काफी खुश हो जाता है। दरअसल सोनी टीवी की तरफ से एक प्रोमो हाल ही में शेयर किया गया है। प्रोमो में टप्पू की खास दोस्ती की एंट्री होती है। वो टप्पू से मिलने के लिए गोकुल धाम सोसाइटी आएगी। अपनी स्पेशल दोस्त से मिलने के लिए टिपेंद्र भागता हुआ उसके पास जाएगा और उसे तुरंत ही गले लगा लेगा। अपने टप्पू को ऐसा करते देख बापूजी और जेठालाल चौंक जाएंगे। यहाँ तक कि सोनू और मास्टर भिड़े के भी होश उड़ जाएंगे। तभी बापूजी जेठालाल से ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि कहीं ये होने वाली बहू तो नहीं है। ये जानकर दोनों खुश हो जाते हैं। वहीं इस बात को सुनने के बाद मास्टर भिड़े की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहेगा। टप्पू की शादी के ट्रैक ने फैंस को किया इम्प्रेस। तारक मेहता का उल्टा चश्मा से जुड़ा प्रोमो देखने के बाद फैंस कई तरह के कमेंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा कि टप्पू की शादी पोपटलाल से पहले मत कर देना। वहीं दूसरे यूजर ने लिखा है कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा में कुछ नया और दिलचस्प देखने को मिल रहा है। देश दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।